कैसी लगी? वाह यार, मतलब इतनी टेस्टी। अरे कहाँ जा रहा है, अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ चला गया? पेस्ट्री तो खा पूरी। वेल हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? माय नेम इज वंदना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना मैं रेडी होके बिल्कुल व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं तो यार जा ही रही हूँगी। यस ऑफ कोर्स, मैं आज कहीं बाहर जा रही हूँ। यार जब से मैं मुंबई से आई हूँ ना, तो तब से मैंने कुछ ना बाहर जाके कुछ ऐसी फन एक्टिविटी नहीं की है, तो मैंने सोचा यार आज कहीं चलते हैं, कुछ मजेदार करते हैं, कुछ व्लॉग शूट करते हैं। अब जिस जगह मैं जा रही हूँ उस जगह का नाम है ट्रैम्पलिन पार्क। एंड उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं आज से पहले कभी भी ट्रैम्पलिन में नहीं गई हूँ, मैंने कभी जंप वगैरह नहीं किया है उस पर, तो यार थोड़ा सा डर भी लग रहा है, धक-धक सी हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मेरा वहां जाके। ऐसे हम लोग ना मुंबई में थे ना जब, तो हम तीनों भी ना ये प्लान कर रहे थे, हमने सोचा था कि हम एक इन्फिनिटी मॉल जाएंगे, वहां पे हम ट्रैम्पलिन में जंप करेंगे, ठीक है। लेकिन हम दूसरे इन्फिनिटी मॉल चले गए थे जहां पे वो था नहीं, तो मैंने सोचा यार जब शिमला में है एक ऐसी कोई चीज तो फिर मुझे वहां जाना चाहिए ना यार। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यार, मैंने वीडियोज देखे, फोटोज देखे, तो देख के ना बहुत ज्यादा मजा आता है। आज मैं बहुत सारा फन करने वाली हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैंने क्या फन किया। बाकी गाइस एक और सरप्राइज रखा है मैंने आप लोगों के लिए आज ना, अब वीडियो के एंड तक आप लोगों को देखना पड़ेगा उस चीज को कि मैंने क्या सरप्राइज रखा है। चलो थोड़ा बहुत मैं रिवील कर लेती हूँ। मुझे ना काफी टाइम से मेरी वीडियोज वगैरह पे ना ऐसे कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं कि स्मार्टी पे प्रैंक करो, स्मार्टी पे प्रैंक करो, तो मैंने सोचा यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया आइडिया है, मुझे करना चाहिए अपने भाई के ऊपर प्रैंक। आई मीन वो करता रहता है यार मेरे पे, उसने कितने प्रैंक नहीं किए हैं और मैंने उस पर एक भी प्रैंक नहीं किया, ऐसे कैसे? मतलब एक किया था वो गिफ्ट वाला प्रैंक जिसमें मैंने उसे तोता दिया था, लेकिन उससे भी कुछ बढ़िया प्रैंक करना चाहती हूँ। तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, आप लोगों को ना वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा उस प्रैंक को देखने के लिए। पहले तो यार मैं फटाफट से अब जाती हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ, मैं पहले अपना मजा करके आती हूँ, उसके बाद मैं प्रैंक करूंगी, तो चलते हैं फिर। A few moments later. तो गाइज मैं ना अभी ट्रैम्पलिन पार्क पहुंच गई हूँ। यार अभी हमारे को ना शूट करने के लिए थोड़ा सा बाहर आना पड़ा क्योंकि अंदर काफी ज्यादा लाउड म्यूजिक था। वैसे मेरी यहाँ पे भी आवाज थोड़ी इको कर रही है क्योंकि ये बेसमेंट में है, तो इसको इको को जरा थोड़ा सा इग्नोर करें। मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, मेरे कैमरामैन ने मुझे एक टास्क दिया जो कि मुझे सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पे नीचे ना काफी ज्यादा ऑब्स्टेकल्स है, तो मुझे क्या करना है, मुझे वो ऑब्स्टेकल्स सब कुछ ही मिनट में पार करने हैं। अब मैं टाइमिंग वगैरह आपको बता दूंगी, आपको ऑब्स्टेकल्स भी दिखाऊंगी मैं अंदर जाके। वो देखो गाइस, वहां से मेरा टास्क स्टार्ट होगा, जो ये सारे ऑब्स्टेकल्स मुझे पार करने, यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है, और यहाँ से आने के बाद ये रोप में मुझे नहीं पता मैं कैसे जंप करने वाली हूँ, फिर यहाँ से यहाँ के मुझे यहाँ से इस पे जाना है, इस पे जाने के बाद यहाँ से स्लाइड करके वहाँ मुझे बास्केट करना है, एंड दैट्स इट, मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और ये टास्क के लिए टाइमिंग कितनी दी है, 2 मिनट। हाँ मतलब मेरे कैमरा मैन ने ना पता नहीं मुझे क्या समझा हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा एथलेटिक हूँ, मुझे नहीं लग रहा मैं 2 मिनट में करने वाली हूँ। लेकिन एक और शर्त भी है यार, अगर मैं 2 मिनट में नहीं कर पाई ना पूरा, तो जितना भी मैं 2 मिनट से ज़्यादा एक्स्ट्रा मिनट लेने वाली हूँ, मुझे उतनी बार इसके बीच धकेला जाएगा। मतलब अगर 2 मिनट से ज्यादा मैंने सपोज 3 मिनट ले लिए, तो मेरे को एक बार धकेला जाएगा, 4 मिनट ले लिए तो 2 बार धकेला जाएगा। बट आई होप सो कि मुझे ना धकेला जाए, मैं कंप्लीट कर लूं। चलो यार अब चलते हैं। A few moments later. तो चलो गाइस मैं अपना टाइम स्टार्ट करती हूँ। मेरे टाइम यहाँ पे क्या चल रहा है यार, बहुत डिफिकल्ट है, जितना इजी दिख रहा है। Yeah.
टाइम कितने टाइम में कंप्लीट हुआ? आपने किया है 4 मिनट और 50 सेकंड्स में। शिट। तो अब आपको हम तीन बार धकेलने के लिए जाएं। पसीने का टास्क है, हुआ ये मेरा। चलो। इसमें अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ मैं। 3 मिनट लेट हुई थी तो मुझे 3 बार धकेला जाएगा इसमें। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार। थोड़ा कम धीरे से धकेलना। मजा आया यार आज का। तो भाई ट्रैम्पोलिन पार्क में आके मजा ही आ गया। मेरे को अभी तक पता ही नहीं था शिमला में कुछ इतना बढ़िया भी। तो गाइस मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ और मैंने आप सब लोगों से कहा था कि मैं अपने भाई पे प्रैंक करूंगी। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या प्रैंक करने वाली हूँ। ये देखो मैं उसके लिए ना पेस्ट्री लेके आई हूँ। ऐसा नहीं है कि भी ये पेस्ट्री मैं उसको डायरेक्ट दे दूंगी। अब कर रहा था मैंने इस पे प्रैंक की है भाई। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना, मैंने उसके लिए चॉकलेट पेस्ट्री लाई है जो कि उसको काफी पसंद है। मैं इसके अंदर ना मिर्ची मिलाने वाली हूँ। देखती हूँ मैं अगर हरी मिर्ची मैं मिला सकूँ तो बेटर है, नहीं तो फिर लाल मिर्ची वाला पाउडर मिलाने वाली हूँ। जब वो खाएगा तो भाई मजा आ जाएगा। मैं फटाफट से पहले मिला लेती हूँ। मैं थोड़ा सा धीरे बोलती हूँ, दूसरा रूम में सुन लेगा तो क्या फायदा होगा, मेरे प्रैंक की तो वाट लग जाएगी। तो मैं पहले फटाफट से ना इसमें मिर्ची मिला लेती हूँ, फिर इसके पास जाते हैं ये पेस्ट्री लेके। देखो यार ये पेस्ट्री तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है खाने में। फटाफट से अब मैं इसमें ना मिर्ची मिला लेती हूँ। ये देखो मैंने एकदम परफेक्टली इसको बीच से काट दिया। अब हम इसमें मैं मिर्ची मिलाती हूँ। पहले मैं देखती हूँ हरी मिर्च अगर इसमें लग जाए तो मज़े आ जाएगा यार। ये मिल गई मुझे हरी मिर्च। अब इसको काटते हैं और इसमें डालते हैं। ये देखो यार मैंने कितनी सारी मिर्चियाँ मिला दी है। मैं सोच रही हूँ इसका रिएक्शन क्या आने वाला है। इसको मैं प्रेस कर दूंगी, थोड़ा सा और प्रेस कर देते ताकि इसको बिल्कुल पता ना चले। ये देखो गाइस मैंने इसे कितनी अच्छी तरह प्रेस कर दिया है। इसमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि इसमें मिर्ची है। मेरे प्रैंक के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बस अब मैं जाने वाली हूँ इसके पास। चलो गाइस लेके चलते हैं हमारी पेस्ट्री। ओ हेलो। हेलो। ये देखो जी आपके लिए मैं लेके आई हूँ पेस्ट्री। तेरी फेवरेट चॉकलेट पेस्ट्री लेके आई हूँ भाई। नहीं एक सेकंड रुक, चॉकलेट पेस्ट्री वो भी बिना वजह। कैसे बिना वजह भाई, मैं मार्केट गई थी। पहले मैं ये बताने के बारे में यार मेरा ऐसी मन कर रहा है, देख व्लॉग में लाना चाहती हूँ ना मैं। देखो मैं देख तेरे लिए मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ, मैं भी तेरे लिए कुछ लेके आती हूँ भाई, अच्छी अच्छी चीज खाने की। तू खाने का बड़ा शौकीन है ना, खाना एक बार रिएक्शन देखना कि तुझे कैसी लगेगी यार, तुझे वैसी बड़ी पसंद है चॉकलेट पेस्ट्री। खाना खाते हुए क्यों तो कोई रिएक्शन नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा यार इस पे समझने क्या बात है। मैं तेरे को निकालती रहती नहीं अपने व्लॉग के लिए, क्या बंदा है तू। जनता भी तेरे को देखना चाहती है भाई, तो जनता की डिमांड में है भाई तू। हाँ हाँ खा। अरे क्या सूंघ रहा है यार, आई मीन कौन सूंघता है पेस्ट्री को, कौन सूंघता है भाई। टेस्टी है भाई, तेरी फेवरेट है तू। बासी क्यों लग रही है? बासी नहीं है यार। खाना प्लीज। कैसी लगी? It was at this moment that he knew he fucked up. वाह यार मतलब इतनी टेस्टी। अरे कहाँ जा रहा है, अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ चला गया? पेस्ट्री तो खा पूरी। इसने तो थूक दी सारी पेस्ट्री। भाई पेस्ट्री क्यों थूकी तूने बता जरा। तेरे को मिर्ची और मीठे का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा होता है, तेरे को टेस्ट कर रहा है। गाइस यार एकदम बढ़िया से पैक करी थी। छी यार भाई प्रैंक किया मैंने तेरे साथ, ये पेस्ट्री प्रैंक। अरे तू सारी मिर्ची निकाल। तो मिर्ची निकाल के खाऊंगा थोड़ी ना, मैं लग गया बड़ा प्रैंक का भाई। देख सुन, जनता की डिमांड थी भाई तेरे पे प्रैंक करने का, तो मैंने सोचा इससे बढ़िया प्रैंक क्या हो सकता है भाई। अब तो इसको पूरा खाऊंगा। अरे मुझे तो दे जा थोड़ी सी, खा ले खा ले, दे दे मुझे। अरे दे 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 जा यार थोड़ी सी तो। के साथ प्रैंक करके तो भाई मजा ही आ जाता है। बंदे को बिल्कुल नहीं लगा कि इसमें मिर्ची पड़ी होगी, लेकिन बंदे ने एक ही बाइट लिया और बाकी थूक दिया। पर चलो यार मेरा प्रैंक तो सक्सेसफुल हो गया ना, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये प्रैंक पसंद आया, वीडियो पसंद आई, तो प्लीज आपको पता है क्या करना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सिया।